my dear friends and my dear students. Welcome to Vijaya Tutorial. Here and there you don't run. Subscribe Vijaya Tutorial because here only learning becomes fun. So dear students, today's video is only for the students of class 12th or the teachers who teach in class 12th, and it is regarding first chapter, the last lesson. And this chapter, the last lesson, the author is Alphonse Daudet. So, ये chapter आज मैं बहुत ही मजेदार अंदाज के साथ आप लोगों को बताऊंगी और easily आपको समझ में भी आएगा. So, आज की जो ये video है जो 12th class में teachers पढ़ाते हैं उनके लिए और 12th class में जो students हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा useful है. So students, जो ये chapter है, the last lesson, हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस chapter का नाम last lesson क्यों है. आप कोई भी chapter करो तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम ऐसा क्यों है. So students, इस chapter का नाम the last lesson इसलिए है क्योंकि ये पूरा story एक ऐसे दिन के ऊपर बना हुआ है जिस दिन कोई teacher जिसका नाम है Mr. M. Hamel, वो अपना French का last chapter पढ़ा रहा है. वो अपना लास्ट लेसन क्लास को दे रहा है और उसी के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर है, इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. सो मुझे उम्मीद है कि कोई भी टीचर है या कोई भी स्टूडेंट है, सबसे पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज द होल स्टोरी इज ऑन the episode in which Mr. M. Hamel is giving his last lesson of French in the districts of Alsace and Lorient. तो ये तो था CBSE बोर्ड के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये टाइटल एप्ट है या नहीं है तो आप ऐसा लिखेंगे. हरियाणा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है या किसी और बोर्ड में. सो नेक्स्ट, ये स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में जो जो लास्ट लेसन स्टोरी है इसमें ये कब की स्टोरी है, कब सेट हुआ है, जब फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था. फ्रांस और पर्सिया के बीच में वॉर हुआ था और उसमें जो फ्रांस है वो जीत गई, सॉरी पर्सिया जीत गई थी और उसने फ्रांस को डिफीट किया. और उसके बाद फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरियन वो पर्सिया के हिस्से में चले गए और फिर पर्सिया के लोगों ने, उसके गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये आदेश दिया कि अब अल्सेस में और लॉरियन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और वहाँ पे अब जर्मन आगे पढ़ाई जाएगी. तो इस प्रकार से ये स्टोरी का बेस है. अब हम पढ़ेंगे लास्ट लेसन कौन दे रहा है, लास्ट लेसन देते समय बच्चों को कैसा फील होता है. इसमें एक हमारा स्टूडेंट है, उसका नाम है लिटिल फ्रेंच, एफ आर ए एन जेड फ्रेंच. सो लिटिल फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है उसको कैसे लगता है और जिस दिन ये लास्ट लेक्चर दिया जा रहा है उस दिन क्लास का वातावरण कैसा है, ऐसा ही कुछ हम पाएंगे इस मजेदार स्टोरी में. ओके, सो इस स्टोरी में क्या है, बिगनिंग में है कि लिटिल फ्रांस हमें बता रहा है कि वो स्कूल जा रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि स्कूल में जो उसके टीचर हैं, जो उसके फ्रेंच के टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, वो उसको पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे. तो इसीलिए जो हमारा लिटिल फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो इसीलिए स्कूल जाने के लिए डर रहा है कि मुझे पार्टिसिपल्स में तो कुछ आता नहीं है और मैं जाऊंगा तो मिस्टर एम हैमल जो मेरे टीचर है मुझसे पूछेंगे और मुझे मारेंगे और मुझे डांटेंगे. इसीलिए एम हैमल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. जब वो रास्ते में जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण नज़र आता है. रोड से किनारे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं वातावरण में और वहीं कहीं जो पर्सिया के सोल्जर्स हैं वो लोग वहाँ पे मिल है, मिल में काम कर रहे हैं. बाहर का जो वातावरण है उसमें गर्मी है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं. तो ये जो वातावरण है ये लिटिल फ्रेंच को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कैप्टिवेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन फिर भी वो मन बनाता है और निश्चय करता है कि मुझे तो अब स्कूल ही जाना है और वो इस वातावरण से टैम्प्ट नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता. अब हमारा जो लिटिल फ्रेंच है, जो स्टूडेंट है, वो धीरे धीरे स्कूल जा रहा है और जब वो स्कूल में जा रहा होता है रास्ते में एक एरिया आता है टाउन हॉल. तो जब रास्ते में एक एरिया आता है टाउन हॉल, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे मैसेजेस आते हैं, नोटिस आते हैं. तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड है, तो उस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई नोटिस लगा है. तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है
तो एल्सिस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट्स में इस ही बुलेटिन बोर्ड में सभी बुरी खबरें हो या अच्छी खबरें हो, इस ही बुलेटिन बोर्ड में ये खबरें आती हैं। तो चाहे वॉर की हो, चाहे जीत की हो, चाहे हार की हो, कोई भी नोटिस रहा हो, कितना भी अच्छा और कितना भी बुरा, वो इसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में आता है। तो आज जब लिटिल फ्रेंड स्कूल जा रहा है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, फिर भी वो भाग रहा होता है। तो वहाँ पे एक पर्सन होता है, उसका नाम है पर्सन का वॉचर, जो कि क्या है, ब्लैकस्मिथ है, वैक्टर है, सॉरी वैक्टर। सो वैक्टर एक ब्लैकस्मिथ है, लुहार है। उसी भीड़ में वैक्टर भी खड़ा है, लुहार खड़ा है, और वो फैंस को बोलता है, अरे फैंस वेट, इतने जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, समय पे पहुंच जाओगे। तो वैक्टर ऐसा कहता है, फिर भी जो लिटिल फ्रेंड है उसको देख के, और फिर वो भागता है, वॉर स्कूल पहुंचता है। तो जब हमारा लिटिल फ्रेंड स्कूल पहुंचता है, वो देखता है कि स्कूल में आज तो बिल्कुल अलग वातावरण है, आज तो यहाँ पे बिल्कुल अलग चेंज है, एटमोसफेयर बिल्कुल चेंज है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चों की आवाज़ें होती हैं, टीचर्स की आवाज़ें होती हैं, बेल की आवाज़ें होती हैं, बेंचेस की आवाज़ें होती हैं, गेम्स की आवाज़ें होती हैं, लेकिन आज पूरी जगह शांति है, इट इज़ टोटली क्वाइट। तो फिर लिटिल फ्रेंड जाता है और चुपके से क्लास के अंदर एंटर करता है, और वो सब देखता है, और उसको बहुत डर लगता है कि उसकी जो टीचर हैं एम हैमर, वो उसको डांटेंगे। लेकिन एम हैमर जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं क्लास में, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास है। तो एम हैमर ने बोला, ओके लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर सीट, सो वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। तो एम हैमर ने बोला, लिटिल फ्रेंड्स अपने सीट में बैठो, हम तो तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले थे। सो लिटिल फ्रेंड्स बैठ गया। फिर लिटिल फ्रेंड ने देखा, बहुत ध्यान से देखा उसने पीछे, तो उसने देखा यहाँ पे तो गांव के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जो बेंचेस, जो क्लास की जो पीछे वाले बेंचेस होती हैं, जो हमेशा खाली होती हैं, आज वहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, लाइक कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, मेसन, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, और वो वहाँ पे बैठे हैं। तो यही सब कुछ सोच रहा है फ्रेंड्स, ये सब क्या हुआ। सो उसके बाद एम हैमल ने बोला कि आज मैं आपका लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूं। तो जब उसने ऐसे बोला, आज का ये लेसन आपका लास्ट लेसन है, तो ये जो शब्द थे ये थंडर क्लैप के जैसे थे स्टूडेंट्स के लिए। थंडर क्लैप का मतलब होता है ऐसी बात जो हमें बिल्कुल हताश कर देती है, जो हमारा दिल बिल्कुल तोड़ देती है। तो एम हैमर की ये शब्द, दैट टुडेज लेसन इज द लास्ट फ्रेंच लेसन ऑफ यू ऑल पीपल, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर द होल स्टूडेंट्स, फॉर द होल पीपल, दोज वर सिटिंग इन द क्लास। अब ये सब देखने के बाद सब लोग बहुत हैरान है कि ये तुम्हारी लास्ट लेसन है। और उसके बाद बहुत ध्यान से देखा लिटिल फ्रेंड्स ने, तो पीछे उन्हीं लोगों के बीच में एक ओल्ड हॉजर बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर, हॉजर इज अ नेम, और ये वहीं के कोई व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्होंने ट्रायंगुलर हैट पहना हुआ है, ट्रायंगुलर हैट है, एंड वो अपने प्राइमर भी लेके आया है। प्राइमर का मतलब होता है उसकी बुक, जो वो बिगिनिंग में यूज़ करता होगा, नर्सरी केजी की कोई बुक होगी, बहुत ही एलिमेंट्री जो बुक होगी, उसको लेके आए हैं। तो उसके बाद उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, और एम हैमल ने उनको बताया कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है। अब ये सब पढ़ने के बाद तो सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। अब एम हैमल ने बोला उन लोगों को कि देखो, तुम लोग रोज़ प्रिटेंड करते रहे कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन आज ना ही तुम लोग फ्रेंच में लिख सकते हो और ना ही तुम लोग फ्रेंच में बोल सकते हो। तो ये सब बोलते हुए एम हैमल बहुत दुखी है, बहुत उदास है, वो सब लोगों की तरफ देख रहा है। तो उसने कहा, इसमें सबकी ही गलती है, इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती है, इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, और इसमें मेरी भी गलती है। क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा अपने काम को प्रेफरेंस दिया और तुम लोगों को स्कूल नहीं भेजा, और स्टूडेंट्स की गलती ये है कि उन्होंने कभी भी ध्यान से पढ़ाई नहीं की,
और रोज ये सोचा मैं कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, ऐसे करके MML अपने दुख को अपनी बातों को उन लोगों से शेयर कर रहा है, स्टूडेंट से और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे। फिर वो कहता है कुछ गलती मेरी भी है कि जब कभी मुझे फिशिंग करने के लिए जाना था मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी, मैंने बच्चों को मेरे बगीचे में पानी डालने के लिए भेजा। तो इस तरीके से एक एक बात वो करते रहे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है। तो जो हमारे मिस्टर एमहैमर फ्रेंच टीचर है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इस तरीके से एक एक बात वो करते रहे क्लास के बारे में। और उसके बाद फिर उनका पीरियड हो गया, उसके बाद पीरियड आया राइटिंग वर्क का, कुछ लिखने का पीरियड आया। तो उसमें जो मिस्टर एमहैमर है सभी स्टूडेंट्स के लिए सुंदर सुंदर नोटबुक लेके आए थे, और नोटबुक के बाहर लिखा था एल्सिस लॉरियंस, और बहुत डेकोरेटेड नोटबुक थी। अलग अलग बेंचेस में वो नोटबुक्स रख रखी थी, और ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जिसमें लिखा हुआ है एल्सिस एंड लॉरियन। तो बच्चों आप लोगों को एल्सिस एंड लॉरियन स्पेलिंग भी लर्न होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो उसके बाद उस दिन हर बच्चा अपने राइटिंग में बिजी है, केवल पेन की लिखने की आवाज उस क्लास में आ रही है। बीच में फ्लाइज भी आई हैं, मक्खियां भी आई हैं, फ्लाइज भी आई हैं, लेकिन किसी ने भी उस तरफ नहीं देखा, हर कोई लिखने में बिजी है। तो अब इस बीच में क्या होता है, जो हमारा लिटिल फ्रेंड्स है वो लिखने के समय बीच में एमहैमर को देखता है। तो जब वो एमहैमर को देखता है तो एमहैमर बहुत ज़्यादा उदास है, यहाँ वहाँ चल रहा है दुख के साथ, कभी क्लास को देख रहा है, कभी बेंचेस को देख रहा है, कभी वॉल्स को देख रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। खिड़की के बाहर उसको एक बेल नज़र आ रही है, जो बेल उसने खुद 40 साल पहले लगाई थी, उस बेल को देख रहा है। आज एमहैमर बहुत दुखी है क्योंकि इस विद्यालय में उसको 40 साल हो गए पढ़ाते हुए और अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसी दौरान ऊपर उसकी जो बहन है वो अपना सामान पैकअप कर रही है, ट्रंक्स पैक कर रही है, तो वो आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही है। इसी बीच में जो लिटिल फ्रेंड्स है उसको कबूतरों की आवाज़ आती है। तो लिटिल फ्रेंड सोचता है कि जो जर्मनी के लोग हैं, जो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि हमें फ्रेंच को रोकना है, जर्मन लैंग्वेज को स्टार्ट करना है, तो क्या ये जो बर्लिन के लोग हैं, ये जो जर्मन की गवर्नमेंट है, क्या ये जानवरों को भी उनकी भाषा चेंज करवा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो लिटिल फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा दुखी है, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन आज अपने टीचर को देख के, उसके 40 इयर्स की सर्विसेज को देखने के बाद आज लिटिल फ्रेंड्स अपने टीचर के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत है उसके दिल में। वो जो उसके टीचर का रूड बिहेवियर है वो आज उसको भूल चुका है। आज उसको महसूस हो रहा है कि ये जो हमारी किताबें हैं, जो मुझे उम्र भर बोझ लगी, जो मुझे उम्र भर लगा कि ओ माय गॉड कितना बोरिंग है स्टडी, कितनी ईजी हैं ये किताबें, मैंने ही कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। इस प्रकार वहाँ पे वातावरण बना हुआ है क्लास के अंदर। पीछे बेंचेस में जो विलेजर्स हैं वो रो रहे हैं, और जो ओल्ड होजर हैं, एल्डरली पर्सन हैं, वो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पढ़ने समय वो रो रहे हैं। उन सबको देख के जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो रो भी रहे हैं और वो हंस भी रहे हैं। उसके बाद एमहैमर जो कि फ्रेंच टीचर हैं, उन्होंने बोला बच्चों को, और बोलते ही वक्त क्या हुआ, जो समय है वो हो गया 12 बजे का, और एकदम से 12 बजे और वॉइस आई है, और वहाँ पे एक चर्च है एंजल्स, तो एक जो चर्च एंजल्स है उसकी घड़ी की जो सुइयाँ 12 में हुई और फिर घंटी सुनाई दी, तो उसी समय, और जो पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं जो मिल्स में काम कर रहे थे वो भी अपने ट्रम्पेट्स को बजाते हुए स्कूल के बगल से निकले। तो अब हमारा 12 बजे का समय है और पर्सियन जो सोल्जर्स हैं वो मिल्स से आ रहे हैं और ट्रम्पेट्स को बजाते हुए स्कूल के बगल से निकल रहे हैं। चर्च जिसका कि नाम है एंजल्स, इसकी जो घड़ी है वो जो 12 में स्ट्रक हो चुकी है और वहाँ से घंटी की आवाज़ आ रही है, 12 बजे की आवाज़ आ रही है। फिर उस समय
मिस्टर एम हैमल जो कि फ्रेंच टीचर हैं, जिन्होंने 40 इयर्स यहाँ पे लॉयल सर्विसेज दी हैं, खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड के तरफ फेस करते हुए, ऐसे ब्लैक बोर्ड के तरफ फेस करते हुए उदास होते हैं और उनका जो गला है वो चोक हो चुका है, उनका गला भर चुका है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उन्होंने हाथ से ऐसे जेस्चर्स किया, गो द क्लास इज ओवर। लेकिन ऐसे करने से पहले उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा वीवे ला फ्रांस। ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लैक बोर्ड में एम हैमल ने क्या लिखा, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ये ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद वीवे ला फ्रांस, एम हैमल का गला है वो चोक हो गया है, इमोशनली भर चुका है उनका गला, तो उन्होंने हैंड्स से जेस्चर्स किया गो और कहा क्लास इज ओवर। सो स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम जब बच्चों को क्लास में करवाएंगे हमें ऐसे ही करना है, एक्ट करना है, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। और अब मैं कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत बहुत ध्यान से सुनो विजय मैम आपको क्या बता रही है। इसमें फर्स्ट वर्ड है ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका मतलब है फियर ऑफ स्कोल्डिंग, डांट खाने का जो डर होता है, जो मैंने आपको बताया था लिटिल फ्रेंड्स को शुरू में था, तो ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है फियर ऑफ स्कोल्डिंग। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। रेसिस्ट का मतलब रेफ्यूज, कि उसका दिल कर रहा था वो मजे करेगा लेकिन उसने रेसिस्ट किया और वो क्लास में गया। नेक्स्ट है कमोशन, कमोशन का मतलब होता है कन्फ्यूज नॉइज, जैसे मैंने आपको बताया बेंचेस की, बेल्स की, स्टूडेंट्स की, पियंस की, टीचर्स की, तो जो कन्फ्यूज नॉइज होता है दैट इज कॉल्ड कमोशन। रैप होता है जब टीचर ब्लैक बोर्ड में या टेबल के ऊपर स्केल से मारता है ब्लैक, तो उसको रैपिंग कहते हैं, स्केल से मार के चलता है ना, उसको रैपिंग कहते हैं। ये बिहेवियर था मिस्टर एम हैमल का। मिक्स का मतलब कंफ्यूज्ड, तो जब लिटिल फ्रांस एम हैमल को पार्टिसिपल्स के बारे में बताना चाह रहा था वो कंफ्यूज हो गया, ही गॉट मिक्स्ड, वो कंफ्यूज हो गया और उसको बहुत डर लगा, तो एम हैमल ने बोला रहने दो, तुमने कभी मेहनत ही नहीं की थी। तो गॉट मिक्स्ड का मतलब कंफ्यूज होना, जब हम आंसर नहीं दे पाते हम पजल हो जाते हैं। गेज का मतलब स्टेयर, जैसे कि एम एम एल यहाँ वहाँ गेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, क्योंकि वो 40 सालों से उन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। देन होता है ट्रंक्स, जैसे मैंने कहा बक्सों को, टिन के, आयरन के बड़े बड़े बक्से, उनको हम ट्रंक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सोलम, मतलब सीरियस, वातावरण कैसा है, सीरियस है, सोलम है। एंड प्राइमर मतलब बुक, जो हमारी नर्सरी के जी की बुक्स होती है, एलिमेंट्री बुक्स होती है, उनको हम प्राइमर कहते हैं। वॉन्डर सरप्राइज, मतलब एवरीबडी इज इन वॉन्डर इन द बिगिनिंग कि आज क्या हो रहा है, ये किस तरीके से है, लाइक दैट। सो माउंटेड होता है चेयर में बैठना, तो बीच में एम एम एल अपने चेयर में बैठे हैं, उन्होंने बातें की हैं, बताया है क्लास को लास्ट लेसन के बारे में। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया कि फ्रेंड्स के लोगों का हैबिट होती है कि पोस्टपोन करना, हम आज काम नहीं कहीं करेंगे कल करेंगे, तो उनकी पोस्टपोन की हैबिट थी, इसीलिए ना वो फ्रेंच में लिख सकते हैं ना वो फ्रेंच में बोल सकते हैं। तो बेटे ये आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाने के लिए भी आ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं इसका क्या मतलब है। ग्रेव का मतलब सीरियस, एंड रैचेस का मतलब क्रूएल, यहाँ पे जर्मन के लोगों को रैचेस कहा गया है, जर्मनी के लोगों को क्रूएल कहा गया है, क्योंकि दे हैव स्टॉप, दे हैव बैन स्टडी ऑफ फ्रेंच एंड स्टार्टेड स्टडी ऑफ जर्मन लैंग्वेज। न्यूसेंस मतलब ट्रबल, ये वर्ड यूज किया गया किताबों के लिए, कि जो लिटिल फ्रेंड्स उसको बुक्स न्यूसेंस लगती थी। क्रैंकी शब्द यूज़ किया गया है मिस्टर एम हैमर के लिए, कि उसका बिहेवियर कैसा था, ही वॉज वेरी क्रैंकी, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता था। संडे क्लॉथ, ये है संडे क्लॉथ के, किसी भी इंसान की बेस्ट जो ड्रेस होती है वो, तो एम हैमर ने अपने लास्ट लेक्चर में अपने संडे क्लॉथ्स पहने थे, उसमें ग्रीन कलर का उसका कोट था, उसमें फ्रिल थी एंड एम्ब्रॉयडरी था, तो वो उसके संडे क्लॉथ्स थे। रिप्रोच होता है धिक्कारना, तो कहते हैं हम सब अपने आप को धिक्कार है, एज अ पेरेंट्स हम धिक्कार हैं कि बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं भेजते, काम करवाते हैं। मैं एज अ टीचर रिप्रोच कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा अपने काम को प्रेफरेंस दिया, फिशिंग को प्रेफरेंस दिया, आप लोगों को पानी देने के लिए बोला गार्डन में, तो वो रिप्रोचिंग कर रहे हैं। एट वन स्ट्रोक होता है एक ही बारी में, इन वन गो। एंड स्क्रैचिंग होता है साउंड, पेन की साउंड, यहाँ पे फिलहाल पेन से लिखने की साउंड है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैचिंग। सो ये मैं आपको बता चुकी व्हाट ए थंडर, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, व्हाट ए थंडर क्लैप वर दीज वर्ड्स टू मी, यही वर्ड्स जब मिस्टर एम हैमल ने बोला
कि ये आपका आज फ्रेंच का लास्ट चैप्टर है। ये जो शब्द थे ये बच्चों के लिए थंडर क्लैप के जैसे थे, क्योंकि उन ये बात सुन के उनका दिल बहुत ज्यादा टूट गया और वो बहुत ज्यादा सैड थे। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन ऑफ एनसेव्ड पीपल। ये ही बोला था हमारे एम एम एल चैप्टर के बीच में कि जब तक हमारी लैंग्वेज हमारे पास है और कोई हमें अगर बंदी भी बनाता है तो लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, और अगर हमारी लैंग्वेज नहीं है कोई भी राष्ट्र हमें किसी भी समय गुलाम बना सकता है। सो अभी कैरेक्टर स्केच है एम हैमल का, मैंने कोशिश की है कि छोटा बनाने के लिए। एम हैमल फ्रेंच टीचर इन फ्रांस, ही वर्क फॉर 40 ईयर्स देयर, ही वॉज इमोशनल एंड नाउ लिविंग दिस स्कूल एज नाउ हेयर फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। अब यहाँ पे फ्रेंच टॉट नहीं होगा, बैन हो चुका है। हॉजर के बारे में, एन एल्डरली पर्सन ऑफ द विलेज हु केम विद हिज प्राइमर एंड स्पेक्टिकल्स ऑन हिज आईज टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर एम हैमल टू पे हिम ट्रिब्यूट। तो इनका कैरेक्टर स्केच आ सकता है, इसलिए मैंने ये छोटा छोटा बनाया है। तो जो बच्चे का लर्निंग बहुत ही कम है वो इनको एक दो बार सुनोगे तो आपको ईजी होगा। फ्रेंड्स हम कहेंगे, अ केयरलेस स्टूडेंट ऑफ एम हैमल, ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज एंड ही वॉज अफ्रेड टू अपीयर इन द क्लास बिकॉज टीचर वॉज गोइंग टू आस्क हिम अबाउट पार्टिसिपल्स। सो ये तीन कैरेक्टर स्केच है, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। एम हैमल तो है ही इम्पोर्टेंट। अभी इसमें थोड़े से क्वेश्चन है टेक्सचर, मैंने और भी इजी बना के इसको लेके आई हूँ। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तो मैंने इसको छोटा बनाया है, ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ऑन टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स। ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स, एक लाइन में भी लिखोगे आपको बिल्कुल 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, व्हाट डिड फ्रेंड्स सॉ अनयूजुअल दैट डे। तो हम बोलेंगे ही नोटिस दैट देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर। बहुत ईजी है, ही नोटिस दैट देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, आप इजिली कर सकते हो। जो बच्चों को लर्न नहीं होता मैंने उनका सोच के छोटे छोटे आंसर लेके आई हूँ। नेक्स्ट है, वट हैड बीन पुट अप इन द नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड। सो वी कैन से इट हैड, इजी है, इट हैड नोटिस रिगार्डिंग बैनिंग ऑफ फ्रेंच इन एसिस इन लॉरेन। आपको एक सेंटेंस लिखना है बस, बुलेटिन बोर्ड हैज नोटिस रिगार्डिंग बैनिंग ऑफ फ्रेंच इन एसिस इन लॉरेन। बस हम एक सेंटेंस में लिखेंगे आंसर एंड इट विल बी राइट। व्हाट चेंजेस डिड फ्रेंच नोटिस ऑन दैट डे। वो जो मेन डे उस दिन क्या चेंजेस थे, मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। सबसे पहला चेंज है, मिस्टर एम हैमल वॉज इन संडे क्लास, एक लाइन में आ जाएगा। सेकेंडली, देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, उस दिन बिल्कुल शांति थी। थर्ड पॉइंट है, इन द क्लास विलेजर्स वर सिटिंग इन द लास्ट बेंचेस, ऑन द लास्ट बेंचेस। ये आपके 3 पॉइंट है, 2-3 मार्क्स का ही आता है। तो हम इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लर्न करो, स्कोरिंग भी होता है और ईजी भी लगता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट स्कूल। जो फ्रेंड्स को स्कूल के बारे में क्या लग रहा था उस दिन, उसको कैसा लग रहा था। हम कहेंगे, इन द बिगिनिंग फ्रेंड्स हेटेड स्कूल्स, ही हेटेड स्टडीज, बट इन दिस पर्टिकुलर डे ही रियलाइज दैट बुक्स वर सो ईजी। एक्चुअली ही हिमसेल्फ वॉज वेरी केयरलेस एंड द बुक्स आर हिज रियल फ्रेंड। So on that day he realized that even M. Hamel, whom he considered cruel, cranky, but on that day he felt honored, he had respect for M. Hamel for his 40 years of loyal services. So कोशिश किया मैंने आपको छोटे छोटे आंसर्स देने की और इस चैप्टर को समझाने की। So दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ऑथर का नाम याद करने के लिए, तो मैंने एक की सेंटेंस भी बनाया है, आप इसको याद कर सकते हैं। अल्फोंसी डॉडेट गेव द लास्ट लेसन, अल्फोंसी डॉडेट गेव द लास्ट लेसन, अल्फोंसी डॉडेट गेव द लास्ट लेसन, मतलब अल्फोंसी डॉडेट ने लास्ट लेसन दिया या पढ़ाया। इस तरीके से आपको चैप्टर का नाम भी आना चाहिए और ऑथर का नाम आना चाहिए, हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो स्टूडेंट्स, मैंने आज जो इतना कोशिश किया इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसे लाइक करो, आप इसे शेयर करो। अभी तक आपके फ्रेंड्स ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन्हें गाइड कीजिए। थैंक यू।